अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? सब ठीक ठाक, खैरियत से होंगे? तो कैसे हो आप सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मेरा ये शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बकरी है, ये 1 महीने की गब्बन है, बहुत खूबसूरत। इसको जो मैंने क्रॉस किया है ना, एक डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया था, ये बकरी जो है ना, इसको ऐसा ना देखो कि ये छोटी हैं या ये, ठीक है ना। जिसका मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, इस बकरी की माँ बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी माँ थी इसकी, ये बहुत बड़ी नस्ल की बच्ची हैं। लेकिन इसको क्या हुआ, इसको दूध नहीं मिला, इसकी माँ डेथ हो गई। ये इसने तकरीबन 2 दिन दूध पिया था अपनी माँ का, तो इस वजह से इसने अपना कद को रोका हुआ है, ठीक है ना। कद को रोका हुआ है, आप यकीन करें इसका जो औलाद है इंशाल्लाह वो बहुत बड़ा निकलेगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत बड़े बकरे से क्रॉसिंग किए हैं, बहुत बड़ा बकरा था, आप यकीन आप सोच भी नहीं सकते हो। और वो भी गंडापुर नस्ल का बकरा था, गंडापुर नस्ल का बकरे बहुत कीमती होते हैं हर लिहाज से, कोष्ठ के लिहाज से भी, खुराक के लिहाज से भी। वो तकरीबन सूखे पत्तों से भी अपने आप को बनाता है, ठीक है ना। आप उसको सूखे गंडापुर नस्ल के बकरों को आप सूखे पत्ते दो, और जो पंजाब के बकरे होते हैं उसको आप 4 अंडे खिलाना, वो सूखे पत्तों वाले के साथ वजन नहीं करेगा, इतना कीमती होता है। लेकिन वो हर इलाके में नहीं कामयाब होता है, वो सिर्फ गर्म इलाकों में होता है, खुश होता है गंडापुर नस्ल का, ठीक है ना। जैसा लक्की मरवत, गंडापुर, डीआई खान, बन्नू, यहाँ इलाकों में ये खुश होता है। तो इसके साथ मैंने इसको क्रॉस किया है, ये पंजाब की बकरी हैं और वो गंडापुर है, ये मिक्स बच्चे आएंगी इंशाल्लाह। 1 महीने की गब्बन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बहुत खूबसूरत बकरी हैं, आप इसका क्वालिटी चेक करें, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत है। उसके बाद आते हैं, चले उसके बाद हम दूसरे बकरी की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल जवान बछड़ी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, ये अक्सर साहिवाल बकरी नस्ल हैं। इसको मैंने लिया था तकरीबन 4 माह पहले, अब ये बनी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल अब हीट पे नहीं आई हुई है, ठीक है ना, हीट पे नहीं आई है, ये अपने आप को वज़न बढ़ा रही है। आप इसको देख सकते हो कितने खूबसूरत और सिंगल बॉडी है, लेकिन बहुत अच्छी बनाई है। इस तो जब छोड़ी तब होगी, जब ये बच्चे 1-2 बार बच्चे दे जाए तो ये अपनी बॉडी को पली करेगी, ठीक है ना। ये भी बहुत खूबसूरत नस्ल की बकरी है, इंशाल्लाह इसके भी बच्चे बहुत खूबसूरत आएंगे, क्योंकि इसके बकरे की क्वालिटी आप चेक करो। ये वाली बकरी है ना, ये काली सफ़ेद, इसमें जो ब्रीडिंग है वो छुपा हुआ है, और इसमें इंशाल्लाह साफ दिखाई दे रहा है। ये भी बनेगा लेकिन ये टाइम के साथ, और ये कुछ समझ सकते हो। दूसरा है, मैं आपको दुम्बा चेक कराता हूँ, दुम्बा भी बहुत खूबसूरत दुम्बा है, उसकी तरफ चलते हैं। ये देख सकते हो दुम्बा, ये दुम्बा भी बहुत खूबसूरत नस्ल का है। ये भी मैंने लिया था, ये तो मैं इंशाल्लाह, ये तो दुम्बा है, इसको मैं अगर इस साल में कुर्बानी में भेजूँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं भेजा, अच्छी कीमत नहीं मिली, तो इसको मैं अपने दूसरे साल के लिए तैयार करूँगा, क्योंकि ये अभी कीड़ा है, बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल 0 साइज़ का है, बिल्कुल 0 साइज़ का है, और तकरीबन इसका 40 किलो वज़न है। अब मैं हैरान हो गया कि इतना छोटा और ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं ना अभी, तो इसके साथ मैंने कोई मेहनत भी नहीं किया हुआ है, अंडा भी इतना ज़्यादा नहीं देता हूँ। तो ये अगर इस साल में इसने मुझे अच्छी मुनाफा दिया तो इंशाल्लाह भेजूँगा, क्योंकि ख़ुद तो कुर्बानी कर सकता नहीं हूँ, क्योंकि जिसके साथ आप टाइम गुजारे हो उसको आप कैसे, उसका गोश्त कैसे खाओगे, उसके साथ उसका जो खून बहता है वो आप कैसे देख सकोगे, तकलीफ़ होती है। इसको फिर मैं कुर्बानी के लिए भेजूँगा, और अगर नहीं होती इंशाल्लाह इसको मैं फिर दूसरे साल के लिए रोकूँगा, तब वो फिर इतना बाड़ी करेगा तो आपको मैं वो फिर दिखाऊँगा, वो नई वीडियोज़ में दिखाऊँगा, ठीक है ना।
जिसकी नई वीडियो भी आएगी, तो आप देख सकते हो किस तरह है वो खूबसूरत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ताकि हमारी वीडियो अच्छी लगी आपको। आपको नई आने वाली वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करो। इंशाल्लाह ऐसे बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तब तक ये भी बचत दी जाएगी जिसके तकरीबन 5 महीने रह गए हैं रमज़ान के बाद। ये बड़ी जब बड़ी आने वाली है उसके साथ ये भी रेडी हो जाएगी। और ये भी हीट पे लगी हुई है, इसको हीट चपाएगी तो उसको मैं क्रॉस करवाऊँगा। जो लाल वाली है उसका भी वीडियो मैं आपको फिर दे दूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने मंजूर की। क्योंकि इसके लिए मैंने एक बकरा मिला है, बहुत दूर है लेकिन बहुत कीमती बकरा है, काला ना बकरा है, उसके लिए मैं फिर उसको ले जाऊँगा। तब तक ख्याल रखे अपना, फिर मिलते हैं कभी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।